हेयर शेव कब कराना चाहिए? जब आपको भेष बदलकर बेटे का बदला लेना हो तो हेयर शेव कराना चाहिए, नहीं तो नहीं कराना चाहिए, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए समझते हैं हेयर शेव कब कराना चाहिए कब नहीं। जब आप कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हो जैसे मिनोक्सिडिल, पीआरपी, डर्मा रोलर, तो हेयर शेव नहीं कराना चाहिए, क्योंकि शेविंग के बाद ये पता नहीं चलेगा कि ट्रीटमेंट से हेयर लॉस कम हो रहा है या बढ़ रहा है और डैमेज परमानेंट हो सकता है। हेयर को मोटा करने के लिए, हेयर लॉस रोकने के लिए, बाल तेजी से बढ़ाने के लिए, डेंसिटी बढ़ाने के लिए हेयर शेव नहीं कराना चाहिए, क्योंकि हेयर शेविंग से ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ जब तक बाल छोटे होते हैं तब तक हेयर लॉस दिखना बंद हो जाता है। फिर हेयर शेव कब कराना चाहिए? जब आप पाप का रोल कर रहे हो तब हेयर शेव कराना चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट के पहले भी हेयर शेव कराना चाहिए। और कुछ बीमारियां हैं जैसे एग्रेसिव सीबोरिक डर्मेटाइटिस, पेडिकुलोसिस, कैपिटिस, ब्लैक एंड व्हाइट पिड्रा में हेयर शेव कराना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर? फिर इतने अच्छे चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए।